नमस्कार दोस्तों, तरह तरह की सैंडविच भारत भर में बनती है। आज हम भी बनाएंगे एक बिल्कुल नए तरह की बेहद स्वादिष्ट सैंडविच। हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल डबल चीज लोडेड ग्रिल्ड सैंडविच। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ी साइज का बर्तन, जिसमें मैं डालूंगी उबले हुए आलू छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट करे हुए। उसके बाद दोस्तों मैंने लिए हैं आधा टमाटर, वो भी बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कट करा हुआ। साथ ही में हम लेंगे प्याज, वो भी बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कट करा हुआ। अभी मैंने लिया है एक लाल शिमला मिर्च, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। अगर दोस्तों आप चाहे तो ही डालें, वरना इसकी जगह पर आप हरा शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे ककड़ी बिल्कुल बारीक कटी हुई, और अंत में हम डाल देंगे दोस्तों धनिया, वो भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसमें हल्का सा मिर्च पाउडर, जो हमारा इंडियन टेस्ट को बढ़ावा देगा। सभी सामग्री को हम दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, सभी सामग्री जो है, वो जो भी आप कप या कटोरी का नाप लेते हैं, वो सभी हमको एक मात्रा में ही रखनी हो, चाहे वो कैप्सिकम हो, आलू हो, टमाटर हो, ककड़ी हो, या प्याज हो, या धनिया। सभी चीजें एक बराबर रहने से इनका स्वाद जो है वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। सभी चीजें को अच्छे से मिलाकर हम कुछ देर के लिए एक साइड में रख लेंगे। अब दोस्तों हमने ली है दो ब्रेड, दो स्लाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने ली है रेडीमेड जो किनारियां कटी हुई आती हैं वो वाली। अगर आपको किनारी कटी हुई नहीं मिलती है तो आप बड़ा साइज का ब्रेड लाकर उनकी किनारे चाकू से घर पर काट देंगे, तो आपको सैंडविच के लिए जो ब्रेड होता है वो रेडी मिलेगा। दोनों ब्रेड पर सबसे पहले हम पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा बटर जो है वो अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही दोनों ब्रेड पर हम बटर लगा देते हैं, तो उसके बाद हम एक ब्रेड पर लगाएंगे ग्रीन चटनी पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड करके। एक ब्रेड पर ग्रीन चटनी लगाने के बाद दूसरी ब्रेड पर हम लगाएंगे टोमेटो सॉस पूरे पर अच्छी तरह से। अब दोनों ब्रेड पर हमने ये जो मिक्स वेजिटेबल का मिश्रण बना के रखा था, वो थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से पूरी पर स्प्रेड कर लेंगे। दोनों ब्रेड पर इक्वली वेजिटेबल जो हमने मिक्स करके रखी थी वो स्प्रेड हो चुकी है। अब मैंने लिया है एक चीज क्यूब, और दोनों पर हम इसे अच्छी तरह से ग्रेट करके पूरा कवर कर लेंगे दोनों ही ब्रेड को। दोनों साइड की ब्रेड पे हमने चीज अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इन दोनों को इस तरह से कवर कर लेंगे। अब हमने रख लिया है गैस पर एक ग्रिलिंग पैन, जिसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बटर गर्म होने के लिए। जैसे ही बटर जो है वो मेल्ट होने लगता है, तो हमारा ये जो सैंडविच है वो हम इसके ऊपर रख लेंगे। आंच को हम इस वक्त रखेंगे बिल्कुल मीडियम। कुछ देर के बाद हम इसको दूसरी साइड पलट लेंगे। दोनों ओर से हम गुलाबी रंग का सेक लेंगे। सैंडविच हमारा दोनों ओर से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सिक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक बार फिर से रख देंगे चॉपिंग बोर्ड पे। सैंडविच को अब हम सेंटर से कट कर लेंगे। सैंडविच हमारा चार ट्रायंगल हिस्सों में कट चुका है। अब एक बार फिर से हम इस पर थोड़ा सा चीज फिर से कद्दूकस करके डाल देंगे। अब हम इस पर एक बार फिर से थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी जो है वो छिड़क देंगे, थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी, और एंड में हमने जो मिक्स वेजिटेबल इसके अंदर फिलिंग किया है वो भी थोड़ा सा डाल देंगे। मिक्स वेजिटेबल डबल चीज ग्रिल्ड सैंडविच हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है दोस्तों। जितनी दिखने में खूबसूरत उतनी ही खाने में। भारत भर में तरह तरह की सैंडविचेस बनाई जाती है। ये था मेरा तरीका, लेकिन बहुत ही ज्यादा तारीफ मिलती है मुझे इसके लिए। एक बार आप ट्राई जरूर करके देखिए, बच्चे से बड़े और बूढ़ों तक सभी को पसंद आए ऐसा स्वादिष्ट तरीका। फटाफट बनने वाली रेसिपी चाहे आप ब्रेकफास्ट में ले या डिनर में, हर चीज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक बार ट्राई जरूर करिए। और हाँ, मेरी रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा मुझको, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज जो हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। शुक्रिया।